ग्रीन गार्डन नर्सरी फलदार, छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी नानाखेड़ी एवी रोड लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452। YouTube पे हमारी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को सबसे पहले देख पाएं। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोनाली सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। गुना जिले में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण का दौर। बीनागंज का 3 वर्ष का बच्चा आया कोरोना पॉजिटिव। आज कोरोना की 156 रिपोर्ट हुई प्राप्त। 3 मरीज आए कोरोना पॉजिटिव। 70 वर्षीय बुजुर्ग आरोन में आया कोरोना पॉजिटिव। वहीं 3 वर्षीय बालक बीनागंज में आया कोरोना पॉजिटिव। 22 वर्षीय युवक घोसीपुरा गुना में आया कोरोना पॉजिटिव। आगामी महीना त्योहारों का महीना है। सुरक्षा के लिहाज से जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया है कि सभी घर पर रहकर त्योहारों को मनाएं एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। जिला कलेक्टर बोले 7 दिवस में सुअर मालिक करें जानवरों को शहर से बाहर। सुअरों के आवारा घूमने से शहर में नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना को लेकर गंभीर रहे नागरिक, सोशल डिस्टेंस नियमों का सख्ती से करें पालन, कहा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राफेल पर दिया बयान, राफेल की कीमत पर खड़े किए सवाल। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं प्रशासक नगर पालिका गुना द्वारा आज नगर पालिका की समीक्षा बैठक में जल प्रकोष्ठ प्रभारी जीके अग्रवाल द्वारा उनके अंतर्गत आने वाले वाटर सप्लाई स्कीम एवं सीवर प्रोजेक्ट जो कि 2016 से चल रहा है उसके कार्य की अत्यंत धीमी गति होने और जलकर की राशि वसूली भी कम होने के कारण जीके अग्रवाल को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया एवं उनकी 2 वेतन वृद्धि भी रोकी गई। गौरतलब बात यह है कि जीके अग्रवाल वही बहुचर्चित अधिकारी हैं जिन्होंने एनीकट मामले में काफी नाम कमाया है। इनकी जाँच हो तो बहुत सारे राज खुलेंगे। जयवर्धन सिंह नगर आरोन में पधारे, उनके साथ में पूर्व ऊर्जा मंत्री तथा खिंचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह खिंची भी पधारे। सर्वप्रथम आरोन की सीमा प्रारंभ होते ही कृषि विज्ञान केंद्र से इनका स्वागत प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम राकेश उपरिंग पटेल के निवास पर मुख्य अतिथि प्रियव्रत सिंह खिंची पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वर्तमान विधायक तथा जयवर्धन सिंह को फलों से तोला गया। राधोगढ़ विधानसभा के आरोन में 14 लाख रुपए की लागत से निर्मित जनपद भवन के सभागृह का शुभारंभ किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री जयवर्धन सिंह एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रियव्रत सिंह रहे उपस्थित। बजरंगगढ़ थाना के 3 फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने 5,000 के नाम की घोषणा की है। आरोपी एहसान पुत्र नाथू पारदी, तारा पुत्र महेंद्र पारदी एवं राजवीर पुत्र महेंद्र पारदी निवासी गण ग्राम गढ़ला गिर्द थाना बजरंगगढ़ घटना से फरार चल रहे हैं, जिसके संबंध में जो कोई भी पुलिस को सूचना देगा उन्हें गिरफ्तार कराने में पुलिस का सहयोग करेगा। उस व्यक्ति को गुना पुलिस अधीक्षक की ओर से प्रत्येक की गिरफ्तारी के लिए 5,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। राधौर विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा अपनी विधायक निधि से आरोन स्वास्थ्य केंद्र को 20 लाख रुपए की एम्बुलेंस प्रदान की गई, जिसका आज उद्घाटन पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह खींची और राधौर विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा CMHO को चाबी सौंप कर किया गया। पूर्व मंत्री प्रियव्रत सिंह खींची एवं राधौर विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा आज श्री राम राधा गौशाला माता
मुद्रा का लोकार्पण किया गया। आरोन के माता मुंड्रा में पूर्व मंत्री एवं राधुगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं पूर्व मंत्री एवं खिलचीपुर विधायक प्रियव्रत सिंह खींची के द्वारा 1.62 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 33/11 केवी की विद्युत उपकेंद्र का शुभारंभ किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के ग्वालियर स्थित आवास पर गुना से भाजपा नेता पहुंचे और उनके छोटे भाई अजीत सिंह तोमर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। मकसूदनगढ़ के माधोपुरा गांव में करंट लगने से हुई भैंस की मौत। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के माधोपुरा गांव में एक किसान की भैंस को करंट लगने से मौत हो गई, जिससे किसान का हजारों रुपए का नुकसान हो गया। वहीं हम आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले भी एक किसान की भैंस को करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी। मकसूदनगढ़ के जोगन बावड़ी गांव में गैस की टंकी फटी, मकान हुआ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के जोगन बावड़ी गांव में सुबह सुबह अचानक एक गैस की टंकी फटने का समाचार प्राप्त हुआ। जानकारी अनुसार गनीमत ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची, पर गैस की टंकी फटने के कारण मकान के परखच्चे उड़ गए। जीएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा में 26 साल से फरार स्थायी वारंटी गंगाराम को चाचौड़ा पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया, वहां से उसे भेजा जेल। जेएमएफसी न्यायालय राधोगढ़ में लड़की को भगाने के आरोपी की सहायता करने वाले से आरोपी सरफराज पुत्र हनीफ खान और सोमल उर्फ सोमू पुत्र बरकत खान निवासी गण राधोगढ़ को गिरफ्तार कर न्यायालय राधोगढ़ में पेश किया गया। गुना जिले के फतेहगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत मिस्त्री की दुकान में सुधर रहा ट्रैक्टर अचानक चलने से पुत्र की हुई मौत, पिता हुआ घायल। पिता पुत्र फतेहगढ़ के पास आनंदपुरा के बताए जा रहे हैं। नगरपालिका परिषद गुना द्वारा बगैर मास्क वालों पर प्रतिदिन जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है। आज बगैर मास्क तथा सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर 96 व्यक्तियों पर जुर्माना लगाया गया। नगरपालिका प्रतिनिधि महेंद्र शर्मा एवं स्वच्छ भारत राधोगढ़ नगरपालिका सहायक नोडल अधिकारी अनुराग शर्मा की उपस्थिति में आज राधोगढ़ नगरपालिका सभागृह में नगर की साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर टीम HMS के सदस्यों के साथ मीटिंग ली गई। पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा एवं पुजारियों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान किया गया एवं जल्द से जल्द शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने की अर्जी लगाई गई। जनपद गुना की ग्राम पंचायतों को विधायक गोपीलाल जटप की पहल पर उनकी विधायक निधि से 10 पानी के टैंकर उपलब्ध करा दिए गए हैं। इस सिलसिले में बुधवार को नानाखेड़ी क्षेत्र में आयोजित कार्यक्रम में ये सभी टैंकर पंचायतों को वितरित किए गए। हार्ट रोड पर स्थित नारायण किराना पर 7 किलो 350 पॉलीथीन पाई जाने पर नगरपालिका द्वारा पॉलीथीन की गई जब्त। किराना स्टोर पर 3,000 रुपए की गई चालानी कार्यवाही। सावन माह के बीतते बीतते 5 दिन शेष रह गए हैं। इस माह में बादल तो बहुत छाए लेकिन बिना वर्षे ही हवा के साथ उड़ गए। आज लगभग 15 दिनों बाद आज कई क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हुई। मृगवंश थाना अंतर्गत कल्याण लोधा पिता गिरधारी लोधा ने अपनी पत्नी के भागने की शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपने ही ग्राम के अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को उन लोगों द्वारा भगवाया गया है, अतः आरोपियों पर कार्रवाई करने की फरियादी ने मांग की है। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में मारपीट कर अपहरण कर ले जाने वाले आरोपी दीपा बंजारा ने जमानत आवेदन पेश किया, जिसे ADG कोर्ट चाचौड़ा द्वारा खारिज कर दिया गया। कल हुई बारिश के बाद किसानों ने अपने खेतों में कीटनाशक और खरपतवार नाशक दवाइयों का छिड़काव किया। छिड़काव राधोगढ़ के ग्राम रसरामपुरा में किया गया। इस बार वहां धान की खेती अधिक मात्रा में किसानों द्वारा की गई है। मकसूदनगढ़ जामनेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3,000 के 4 फरार इनामियों
को किया गया गिरफ्तार। दरअसल हम आपको बता दें कि जामनेर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जामनेर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन पर विभिन्न धाराओं में मामले दर्ज थे। साथ ही हम आपको बता दें कि इन 4 आरोपियों के ऊपर 3,000 का इनाम भी था। मनोज खटीक पुत्र अशोक खटीक द्वारा जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे नगरपालिका जानकारी जुटाने पहुंचा तो नगरपालिका कर्मचारी विजय तिवारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया व रिश्वत मांगी गई। आज सिटी चैनल टीम द्वारा की गई गुना जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह से चर्चा। कोरोना को लेकर गंभीर रहे नागरिक, सोशल डिस्टेंस नियमों का सख्ती से करें पालन, कहा कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने। कोरोना संक्रमण से जो लड़ाई जिला प्रशासन अपने नागरिकों के सहयोग से लड़ रहा है उसमें अभी तक हम अपेक्षाकृत सफल हैं। स्थिति मोर ऑर लेस नियंत्रण में है लेकिन जो संकेत इधर मिले हैं उससे थोड़ी सी चिंता आ गई है। मेरी शहरवासियों से अपील है कि ये सारे प्रोटोकॉल को सख्ती से पालन करने का समय है। त्योहार नजदीक आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में संक्रमण का खतरा है। हम ये भी नहीं चाहते कि जो छोटे दुकानदार हैं, रेहड़ी पटरी पे सामान बेचने वाले लोग हैं, उनके सामने आजीविका का संकट हो। लेकिन ये तभी संभव होगा जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और अन्य जितने भी बचाव के उपाय हैं उसको करें। विगत दिनों में देखने में आ रहा है कि जो भी शहर में बाहर से लोग आते हैं उसके लिए प्रावधान है, शासन के निर्देश है कि उनको क्वारंटाइन करना होगा और अभी तक हमने सेल्फ क्वारंटाइन करने की अनुमति दी है। लेकिन यह देखने में आ रहा है कि लोग फॉर्म तो भरते हैं सेल्फ क्वारंटाइन का लेकिन क्वारंटाइन नहीं हो रहे हैं। अतः मेरी समस्त नागरिकों से अपील है कि आपके परिवार में कोई बाहर का व्यक्ति आता हो तो ये आपका दायित्व है कि वो 14 दिन तक घर से बाहर न निकले, क्योंकि गुना में जो संक्रमण फैल रहा है उन्हीं लोगों के कारण फैल रहा है। तो निश्चित तौर पे आप इसमें सहयोग करेंगे और अगर ये स्थिति बनी रही तो आगे हमें इसमें कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि शहर में बाहर से आने वाला हर व्यक्ति जो किसी के भी परिवार का सदस्य हो उसको इस नियम से अवगत कराएं, उसको क्वारंटाइन करें तो हम इस लड़ाई में आगे और सफल रहेंगे। जिला कलेक्टर बोले 7 दिवस में सुअर मालिक करें जानवरों को शहर से बाहर। सुअरों के आवारा घूमने से शहर में नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में ये आवश्यक है कि शहर साफ रहे, इसके लिए हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। लेकिन इसके प्रथम चरण में मैंने ये पाया कि शहर में सुअरों का बहुत आतंक है। आवारा पशु और सुअर सड़क पे स्वच्छंद रूप से विचरण करते हैं और इस संबंध में सीएमओ नगर पालिका ने भी प्रतिवेदन दिया कि आवारा पशुओं के कारण शहर में आए दिन दुर्घटना होती है, गंदगी फैलती है और इससे जनमानस के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैंने सीआरपीसी 144 के तहत आदेश पारित किया है और शहर के जितने सुकर पालक हैं उन पे यह आदेश बाध्यकारी होगा। उन्हें 7 दिन के अंदर ये सारे सुकर शहर से बाहर करने होंगे और इनको व्यक्तिशः ये आदेश तामील किया जाएगा। अगर 7 से 10 दिन के अंदर अगर ये सुकर बाहर नहीं हुए तो संबंधित सुकर मालिक के खिलाफ 188 के तहत FIR दर्ज की जाएगी, साथ ही साथ महामारी अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की जाएगी और ये आदेश मैंने आज जारी किया है। मेरी अपील है कि जो भी सुकर पालक है इसमें सहयोग करें क्योंकि ये शहर के नागरिक हैं। शहर को ठीक रखना, बीमारी से मुक्त रखना उनका भी दायित्व तो है और मुझे विश्वास है कि किसी अप्रिय कार्रवाई का अवसर जिला प्रशासन को नहीं मिलेगा और वो स्वच्छंद समय और इस आदेश का पालन करेंगे।
मकसूदनगढ़ के जोगन बावड़ी गांव में गैस की टंकी फटी, मकान हुआ बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। दरअसल हम आपको बता दें कि मकसूदनगढ़ के जोगन बावड़ी गांव में सुबह सुबह अचानक एक गैस की टंकी फटने का समाचार प्राप्त हुआ। जानकारी अनुसार गनीमत ये रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंची, पर गैस की टंकी फटने के कारण मकान के परखच्चे उड़ गए। एक लिए सी हम तो खेत पे गए सर। अच्छा, और दो बेटा। हाँ, और आवाज सुनाई हमें, फूट गई। अच्छा, वहीं से आया कर दो। क्या फूट गई? टंकी। काई की? गैस टंकी। गैस टंकी किधर फूटी बताना? ये अंदर फूटी, देख बताओ। अच्छा, अकेली थी? अकेली तो थी। अच्छा, ये पूरा घर उड़ गया है? उड़ गया। अच्छा, अच्छा फिर किसी ने बुझाने का प्रयास नहीं किया? कोई नहीं आया ना, डर के मारी। अच्छा, डर के मारी। अच्छा अच्छा, क्या क्या जल गया इसमें? कुछ जल गया क्या? और अब ये कागज मागज, बहुत कागज जल गए हुआ साहब। बहुत जल गए, कीमती कीमती कागज है सर जी, कीमती कीमती कागज। अच्छा, ये टंकी की हालत ये हुई, बताना पकड़ के उसको। अच्छा, ये टंकी की, चलो चलो ठीक है, टंकी की ये हालत हुई। अच्छा, गेहूं भी खराब हो गए है ना। अच्छा, ये बक्से का पूरा कागज पूरा जल गया? पूरा जल गया। अच्छा, ऐसा हुआ? ये पूरी मतलब छपरा उलार दिया इसको? पूरी उलार दिया, नहीं तो पूरी। अच्छा, कवेलू खत्म? खत्म, पूरे पूरे सब टोटल। अनाज ही बकर गया है? अनाज बकर गया। अच्छा, कोड़ी फूट गई? अच्छा, फूट गई कोड़ी। अच्छा, तुम्हारी मिसेज को क्या हुआ? लग गई लग गई। अच्छा, तो कहाँ गई अभी? अभी सो नंबर ले गया पुलिस वाले। सो नंबर पुलिस वाले? अच्छा, इलाज के लिए? अभी क्या मालूम कैसी तबीयत है उसकी? अभी तो सीरियस है थोड़ी। अच्छा, सीरियस थी। पूर्व विधायक राजेंद्र सलूजा एवं पुजारियों के द्वारा विशेष पूजा अर्चना एवं अनुष्ठान किया गया एवं जल्द से जल्द शिवराज सिंह चौहान के स्वस्थ होने की अर्जी लगाई गई। पंडित जी, आज यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की गई है मंत्री जी के लिए, क्या अर्चना की गई है? क्या? जय श्री राम। आज वो हनुमान टीवी पे गुना में टेकरी सरकार पे माननीय मुख्यमंत्री जी के उत्तम स्वास्थ्य के लिए टेकरी सरकार से और सत बाबा से बालाजी महाराज से प्रार्थना की गई, बड़ा लगा गया। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री गरीबों के मसूआ जल्दी जल्दी स्वस्थ हों, यही हमारी मनोकामना है। बस शीघ्र स्वस्थ होकर प्रदेश का संचालन करें। जय श्री राम जी। कौन से समय का मंदिर है इसमें खरीदी? ये अपने महाभारतकालीन मंदिर है, अति प्राचीन माना जाता है। जी हाँ। कौन सा स्थल है? सिद्ध स्थल श्री हनुमान टेकरी। दिवस आज यहाँ पर जो मुख्यमंत्री जी के लिए एक पूजा पाठ किया गया है, क्या है? हनुमान टेकरी सरकार के चरणों में माननीय मुख्यमंत्री जी का कोरोना का संकट आया है और गरीबों के मसीहा हैं, पूरे प्रदेश में गरीबों की चिंता करने वाले ऐसे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को कोरोना संकट के जो आया है उसके लिए आज हनुमान टेकरी मंदिर पे पाठ हनुमान चालीसा का 51 पाठ किए और धूपाड़ा लगाया है। प्रभु से प्रार्थना की है कि प्रभु इस गरीबों के सेवक को जल्दी स्वस्थ करें, जिससे ये गरीबों की सेवा प्रदेश की कर सकें। हमारे नेता जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी मैं हनुमान जी के चरणों में कामना करता हूँ और प्रभु से प्रार्थना है टेकरी सरकार से कि शिवराज जी जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी स्वस्थ होकर गरीबों की सेवा में लगे। मृगवंश थाना अंतर्गत कल्याण लोधा पिता गिरधारी लोधा ने अपनी पत्नी के भागने की शिकायत दर्ज कराई है। उसने अपने ही ग्राम के अन्य लोगों पर आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी को उन लोगों द्वारा भगवाया गया है, अतः आरोपियों पर कार्रवाई करने की फरियादी ने मांग की है। अच्छा, बोलिए, मैंने पत्नी भाग चुकी कम से कम एक महीने से, मैंने उसकी रिपोर्ट दर्ज कर रिपोर्ट दर्ज करी, कोई सुनवाई नहीं करी मैंने, उन्होंने ढूंढ के मैंने जिसका नाम भी रिपोर्ट करी तो पकड़ के मिले। और ये बच्चा बच्ची परेशान है, अभी बूढ़ा बाप कमा कर मेहनत मजदूरी कर बजाओ कि इनमें करके कमाओ, पता के मिले मेरे को, मैं गाया कराओ निकल गया था, इनके बच्चों कह दी मैं जाए रोटी मेरे पापा फिलहाल के बाद पहले भगाई गोकर साहब ने एक बार औरतों को भी और कुछ हाँ और कि मैं तो भगाई दो बार नहीं कहूँ पर 30 साल का उसकी आधार कार्ड है मेरे पास 20 साल की हाँ यही होगी 30 साल आधार कार्ड है।
मनोज खटीक पुत्र अशोक खटीक द्वारा जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि जब वे नगरपालिका जानकारी जुटाने पहुंचा तो नगरपालिका कर्मचारी विजय तिवारी द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया व रिश्वत मांगी गई। मैं नगरपालिका में गया, मैं नगरपालिका में पूछा, मैंने कि मेरी माताजी का देहांत हो गया है तो मेरे को जानकारी चाहिए थी। मम्मी का झाड़ू पोछा का कार्ड था और एक संबल योजना का कार्ड था, तो मैंने उनसे विजय तिवारी करके हैं उनसे जानकारी मांगी, तो उन्होंने बोला कहाँ से आए हो। मैंने कि साहब जानकारी लेना है आपसे, तो कि कोई जानकारी नहीं है, ये सब निराश हो चुके हैं काम का, तो कहाँ कहाँ से कागज़ उठा के चले आते हैं। तो मैंने बोला, मैंने कि भैया ये कागज़ तो है ना, तो उनने बोला कि मजदूरी कार्ड है क्या। मैंने कि नहीं है, तो एक मजदूरी कार्ड टेबल पर डाला हुआ था। तो मैंने साहब कौन सा किसी बोल वो डाला हुआ है, उनने बोला कि वो डाला हुआ है। तो मैंने साहब मैंने कि उठा के बता दूँ कि तू जा रहा है कि नहीं यहाँ से, मैं तेरे को बताऊँ। तो मैंने कि साहब मैंने की जानकारी तो दो, तो जानकारी ना देने के लिए उन्होंने बोला कि तेरे पास पैसे हैं क्या। मैंने कि काहे के पैसे, तो कि यहाँ से जब चला जा, कोई काम वाम नहीं हो रहा ये। तो मैंने कि ठीक है साहब, मैं इतना कह के चला आया वहाँ से और मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में आवेदन देने आया। आगामी महीना त्योहारों का महीना है, सुरक्षा के लिहाज से जिला कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम एवं पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने सभी शहरवासियों से आग्रह किया है कि सभी घर पर रहकर त्योहारों को मनाएं एवं सोशल डिस्टेंस का पालन करें। त्योहारों के मद्देनजर कोविड के चलते क्या संदेश है? कल शांति समिति की बैठक हुई थी, उसमें कुछ निर्णय लिए गए। अभी जो आगामी त्योहार आ रहे हैं, दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार हैं और ये हिंदू धर्म की आस्था से जुड़ा त्यौहार भी आ रहा है, इस्लाम की आस्था से जुड़ा त्यौहार भी आ रहा है, पर्युषण पर्व भी शुरू हो रहा है। अभी तो एक ही गुजारिश है और एक ही संदेश है कि त्यौहार तो हमारे लिए खुशियों का अवसर होता है, लेकिन ये समय ऐसा है जो सावधानी रख के त्यौहार मनाएं। हम अगले साल और धूमधाम से मना सकते हैं, अभी घर में रहकर मनाएं, अपने परिजनों के साथ मिलकर मनाएं और यथासंभव कोशिश करें कि बाहर न निकलें। यद्यपि 5 दिन सप्ताह के 5 दिन बाजार और शहर खुले हुए हैं, लेकिन जो कोशिश करें कि जब ज़रूरत हो तभी बाहर निकलें। और कोरोना की इस लड़ाई में आप सबने बहुत साथ दिया है, मेरा अनुमान है और मुझे ऐसा लगता है कि एक महीने का समय और है, इसमें अगर हम अपने को संभाल कर आगे बढ़ पाए तो निश्चित तौर पर गुना में ये संक्रमण की समस्या नहीं होगी। नहीं, इसमें जो है बहुत स्पष्ट है, शांति समिति की मीटिंग भी अभी इस संबंध में कल की गई है और ये अगस्त का पूरा महीना जो है सभी समाज के सभी धर्मों से रिलेटेड त्योहारों का समय है और इसमें जो है वो बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, जन्माष्टमी भी है, आपका गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी भी है, अपना जैन समाज का भी जो है चतुर्मास का पर्व भी है, तो ऐसे ढेर सारा पूरा भुजरिया है। तो इस संबंध में शांति समिति की मीटिंग में भी बहुत स्पष्ट रूप से सबको बात की गई है और सबको संज्ञान में है कि कोरोना काल है जो मार्च से इस देश में जो है काफ़ी व्यापक रूप से जो है वो धीरे 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 फैल रहा है। तो ऐसे काल में जो है हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। 30 त्यौहार तो ठीक ही है, इसके अलावा सामान्य दिनों में भी जो है जो लॉकडाउन है उसका शनिवार रविवार का उसका पालन किया जाए, जो रात का कर्फ्यू है उसका बिल्कुल सख्ती से पालन किया जाए और घर में रह करके ही अपने को करना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राफेल पर दिया बयान, राफेल की कीमत पर खड़े किए सवाल। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट आज अंबाला पहुंच रहा है। 2012 में 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का फैसला यूपीए सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में लिया गया और उसकी कीमत लगभग 746 करोड़ रुपए तय की गई थी। यह भी तय किया गया था कि उसका निर्माण 18 हवाई जहाज तो फ्रांस से आएंगे और बाकी 126 में से 18 घटाकर बाकी जितने भी हवाई जहाज होंगे वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा उनका निर्माण किया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद
बिना कैबिनेट कमेटी के अप्रूवल के, बिना रक्षा मंत्रालय के सलाह के, बिना वित्त मंत्रालय के सलाह कर चुपचाप जाकर फ्रांस की सरकार के साथ समझौता कर लिया और 126 हवाई जहाजों के जो भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे उन्हें घटाकर 36 कर दिए। और क्या कीमत तय हुई, उसका नेगोशिएशन हुआ कि नहीं हुआ, उसकी कोई जानकारी नहीं। और ये भी तय कर लिया है कि HAL में निर्माण नहीं होगा और प्राइवेट कंपनी के द्वारा किया जाएगा जिसके पास कोई भी अनुभव नहीं है। अब ये फैसले हो जाने के बाद जब लोगों ने पूछा कि कीमत बताइए, कीमत नहीं बताते, यहां तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जी ने तो सुप्रीम कोर्ट में इस सौदे के खिलाफ केस भी दायर कर दिया था लेकिन उन पर दबाव डालकर विड्रॉ कर ले करा लिया गया। अब 5 हवाई जहाज हमारे जो आए हैं क्या वो हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है? अभी आज बताया गया है कि 59,000 करोड़ में ये खरीदे गए हैं, यानी कि 36 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदे गए हैं 59,000 करोड़ में। तो जो 746 करोड़ रुपए में एक हवाई जहाज खरीदा जा रहा था तो प्रति हवाई जहाज लगभग 1600 करोड़ में अभी आएगा। अब ये कीमत इतनी कैसे बढ़ गई, इसका प्राइस नेगोशिएशन क्या भारत सरकार के अधिकारियों ने किया था, क्या वित्त मंत्रालय को इसके सलाह मशवरा किया गया था, ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब ना तो मोदी जी देते हैं ना सरकार देती है और कहीं ना कहीं कुछ राज छुपा हुआ है जिसे बताते नहीं है। चौकीदार बनकर चौकीदारी करने का वादा मोदी जी ने किया था लेकिन सही चौकीदारी नहीं कर पाए, ये बात साफ है। उन्हें जवाब देना होगा, विपक्ष का अधिकार है जवाब मांगना और हम जवाब मांगेंगे, दृढ़ता से मांगेंगे और इन्हें जवाब देना होगा। आज सिटी चैनल टीम द्वारा की गई गुना जिले के नवागत पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह से चर्चा। दर्शकों आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं गुना के नए SP साहब राजेश सिंह साहब से। नमस्ते सर, सिटी चैनल में। नमस्कार, धन्यवाद सर। कोविड का समय चल रहा है और त्यौहार आसान त्यौहारों का समय है, क्या नहीं, इसमें जो है बहुत स्पष्ट है, शांति समिति की मीटिंग भी अभी संबंध में कल की गई है और ये अगस्त का पूरा महीना जो है सभी समाज के सभी धर्मों से रिलेटेड त्योहारों का समय है और इसमें जो है वो बकरीद भी है, मुहर्रम भी है, जन्माष्टमी भी है, आपका गणपति उत्सव गणेश चतुर्थी भी है, अपना जैन समाज का भी जो है चतुर्मास का पर्व भी है, तो ऐसे ढेर सारा पूरा भुजरिया है। तो इस संबंध में शांति समिति की मीटिंग में भी बहुत स्पष्ट रूप से सबको बात की गई है और सबको संज्ञान में है कि कोरोना काल है जो मार्च से इस देश में जो है काफ़ी व्यापक रूप से जो है वो धीरे धीरे फैल रहा है। तो ऐसे काल में जो है हमको बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। 30 त्यौहार तो ठीक ही है, इसके अलावा सामान्य दिनों में भी जो है जो लॉकडाउन है उसका शनिवार रविवार का उसका पालन किया जाए, जो रात का कर्फ्यू है उसका बिल्कुल सख्ती से पालन किया जाए और घर में रह करके ही अपने को करना है। अनावश्यक रूप से बाहर निकल करके घूमना टहलना मटरगस्ती करना ये आपको और पूरे आपके मोहल्ले को पूरे समाज को जो है संकट में डालेगा। तो वही चीज़ अपने को 30 त्यौहार भी करना है, जैसा कि शासन के और भारत सरकार के निर्देश भी हैं, राज्य सरकार के भी निर्देश हैं कि जो है किसी प्रकार के जो भी धार्मिक आयोजन होता है उसमें जो है उससे संबंधित जो है 5 लोग अपना जो है चाहे वो मस्जिद का हो चाहे मंदिर का हो चाहे किसी और धर्मस्थल का हो तो वो उससे रिलेटेड जो प्रक्रियाएं हैं उसका पालन करेंगे 5 लोग करेंगे और बाकी सभी समाज के जो अन्य लोग हैं वो अपना अपने घरों में ही जो है उनको जो पूजा करनी है जो व्रत उपवास करना है जो नमाज पढ़नी है किसी को तो वो सब घर पे ही करना है। तो ये सब चीज़ें शांति समिति मीटिंग में तय भी हुई हैं और यही सबसे मेरा अनुरोध भी है कि अपना जो है वो इस बार जो है इस कोरोना काल में जो है सारे जो सामाजिक और धार्मिक जो उत्सव हैं जो त्यौहार हैं उनको जो है अपने घरों में मनाएं और घरों में उसका आनंद लें, घरों से इसको जो है उसको संपन्न करें, उसको बाहर ना निकलें और जो नियम है शासन का उसका पालन करें। सर चोरी की घटना है सर, कोरोना काल के चलते बढ़ती जा रही है, तो क्या
वो चोरी की कुछ घटनाएं हुई हैं, कुछ पहले भी हुई हैं। चोरी तो लगभग हमेशा होती रहती है, समय समय पर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसमें घटबड़ होती रहती है, मौसम के हिसाब से, समाज की स्थिति के हिसाब से। तो वो अभी ज़रूर थोड़ा सा बढ़ावा दिख रहा है, लेकिन उसको हम लोग प्लान कर रहे हैं और निश्चित रूप से जो है उसमें हमको सफलता मिलेगी और जल्दी ही जो है इस पर अंकुश लगेगा। सोशल मीडिया पर ऑनलाइन ठगी की घटनाएं गुना में बहुत ज़्यादा हो रही हैं, सोशल मीडिया पर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए वो जो सोशल मीडिया पर जो अपराध बढ़ रहे हैं या जो ऑनलाइन ठगी हो रही है, ये पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रही है। और चूंकि जो है ढेर सारे लोग जो सीधे साधे हैं, जो उनका उतना उनकी अज्ञानता या लापरवाही भी कई बार रहती है, और इस कारण से ढेर सारा अपना OTP बता देते हैं या ढेर सारी जानकारी किसी और को बता देते हैं, और उससे जो है वो ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं। तो ये घटनाएं सभी जगह बढ़ी हैं, गुना में भी बढ़ी हैं और सभी पूरे प्रदेश में, देश में, पूरे विदेश में, हर जगह बढ़ रही हैं। उसमें भी जो है अभी पिछले दिनों में जो है मेरे आने से पहले जो है एक अच्छी सफलता गुना पुलिस को मिली थी, और इसमें भी जो है आगे हम लोग काम करेंगे और जब भी ऐसी घटना होगी जनता रिपोर्ट करे, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और विवेचना करके आरोपी को पकड़ेंगे। जगनपुर जैसी घटना और ना हो, उसके लिए क्या दी जा रही है? जगनपुर की जो घटना है उसकी जांच जो है वो ऑलरेडी एक हाई पावर कमेटी ने किया है, जिसकी रिपोर्ट अभी मुझे मिली नहीं है कि उसमें क्या किसी की गलती या त्रुटि पाई गई है, इसलिए उस पर कोई कमेंट करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन जनता के साथ पुलिस का अच्छा व्यवहार रहे, ये मेरा शुरू से मानना रहा है और मैं हमेशा इसके लिए प्रयासरत रहता हूँ, और इस संबंध में भी जो है सभी पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को लगातार प्रशिक्षित किया जा रहा है और उनको निर्देशित किया जा रहा है। नहीं, जनता अभी जो है मैंने पहले बताया था कि कोरोना काल है, ये युग ऐसा है जो आगे आने वाले कई सालों तक, कई दशकों तक जो है याद किया जाएगा इस कोरोना काल के कारण, और निश्चित रूप से जो है सारा विश्व उसमें लड़ रहा है, इसके खिलाफ़ जंग लड़ रहा है, तो उसको जल्दी हम लोग उससे हम लोग कोप करते हुए उसको हम लोग हरा भी देंगे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक जो है वो अपने को और अपने समाज को, अपने परिवार को, सबको सुरक्षित रखने के लिए सिर्फ दो ही तीन तरीके जो बार बार बताए गए हैं उसका पालन करें, मास्क पहनें, सैनिटाइजेशन करें, हाथ साबुन से धुलें, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द मैं उसका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है भौतिक रूप से जो है लोगों से थोड़ा सा दूर रहें, 2 मीटर की दूरी जो है न्यूनतम रखें उसमें, और जो भी जो है सामाजिक कार्यक्रम है, धार्मिक कार्यक्रम है, उसको जो है घर पे मनाएं। तो यही संदेश है मेरा। वो मुराद थी जो आज जल गई, परियों के जहन में जो आग बन गई, देखे ना थी सपनों ख्यालों में ऐसी जिंदगी से मुलाकात बन गई, तेरी बातों की चहक को ना जाने कैसी रात मिल गई, ना जाने कैसी रात मिल गई, ना जाने कैसी रात मिल गई, हो चुभन में अश्कों में मगन, ये कैसी तेरी सांसें चढ़ गई, वो सखिया बोले अजुमन में बोले सब मन, ये कैसी कैसी बातें बन गई, वो तेरी बातों की लहक को ना जाने
ग्रीन गार्डन नर्सरी फलदार छायादार एवं शोभादार सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध। पता है भगत सिंह कॉलोनी नानाखेड़ी एवी रोड लक्की पेट्रोल पंप के सामने। मोबाइल नंबर 9770768452। ग्रीन गार्डन नर्सरी, हमारे यहाँ सभी प्रकार के पौधे उपलब्ध हैं, फलदार छायादार और भी कई प्रकार के पौधे हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। और किसी को जैसे आप गार्डन लगवाना है, कॉलोनी डेवलप करवाना है, उसके लिए भी हमारे पते पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। ग्रीन गार्डन नर्सरी लक्की पेट्रोल पंप के सामने, मेन रोड भगत सिंह कॉलोनी, गुना।